ओम शांति। मुरली का तारीख है 22/11/2018। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्म का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यहाँ हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यहाँ है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, या जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना, जगत को रचने वाली, या जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्यदानी स्थापन करता हूँ, आना है संगम पर। कहते भी है कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, या किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहदारी है, वहाँ तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं, मैं राजयोग सिखाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नाले सुनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की तो जो नालिश देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यहाँ सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड आलमाइटी बाप से, वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी। या अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वहाँ सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना? तुम बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है चार धर्म, उसमें भी
एक धर्म है मुख्य, या है फाउंडेशन। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ जाता है, बाकी टाल टालियां कड़ी है। या मिसाल है, दुनिया में जाड़ तो बहुत है, सत्युग में भी जाड़ तो होंगे ना। करके जंगल नहीं बगीचा होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ी आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। या पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रदान है तो सब चीजें सतो प्रदान होती है। बहिष्ट फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनाते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। या अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसीलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। या तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर या लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कतंती, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहां ना कहां या बातें लिखी हुई है। भगवान वाच अक्षर भी ठीक है, भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी, जरूर जाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारिया तो ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, या तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम मात पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, या तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसीलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी, उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और क्लास अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आ
आगे चलने वाला खुद कहता है, कितना भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया बुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं बेचते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, या धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें तकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वहाँ आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी अभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि या सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहां जाने का हुक्म नहीं था। पोप आदि बाहर नहीं निकलाता, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसीलिए यहाँ एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बदलना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करे। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, जीवन बंद से मुक्त हो शांति में जाते हैं। फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है, परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में ते देवी देवता पीछे जो आते हैं, कम सुख कम दुख पाते हैं, या हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं या देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, या बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां तोड़े ही आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। या सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शुबाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वहाँ है नॉलेज फुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे, कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए,
प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारिया कितने हैं? या कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है? एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं, वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, या गुप्त हो गया। शुबाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में काद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही काद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है, फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को तो आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। या त्योहार आदि भी सब भारत के है, या किसके और कब के है कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना? दुख तो अहिस्ते अहिस्ते शुरू हो जाता, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे टीके हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है, मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वहाँ सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहते हैं, श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो सब है। वहाँ शुबाबा है बड़ा बाबा, फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी है मनुष्य से देवता। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहेब को तो सुख मिलेगा। यहाँ है सार, सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं का सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसीलिए अकाल मूरत कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूरत हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस है, साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जीव दान देना है, फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है।
रात को जागकर कास याद करना है, याद में तकना नहीं है। वरदान स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितना भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदलकर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवादारी बनना है। स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।